हेलो गाइस, दिस इज जस्ट फ्रॉम साइमन जस्ट हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। और आज का जो टॉपिक है लेके आए हैं हम लोग सीजर्स एंड कॉम्ब का। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सीजर्स के बारे में। सीजर्स के टॉपिक को हमने चार सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहला साइज ऑफ द सीजर्स, उसके बाद शेप ऑफ द सीजर्स, उसके बाद होल्डिंग ऑफ द सीजर्स एंड उसके बाद में हम लोग बताएंगे कटिंग विद द सीजर्स। सीजर्स की साइजेस की बात करते हैं हम लोग। सीजर्स के अंदर जो साइज होते हैं वो 5 इंच से लेकर के 7 इंच तक की साइज होते हैं। सीजर्स के साइज को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। अभी मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट सीजर्स के बारे में, मतलब शॉर्ट ब्लेड के बारे में कि शॉर्ट ब्लेड कहाँ यूज होते हैं। शॉर्ट ब्लेड यूज होते हैं शॉर्ट हेयर के लिए या आपके नेप एरिया के बाल के लिए या फिर आप सीजर्स ओवरकॉम करते हैं उसके लिए। तो हमेशा उसके लिए क्या यूज करेंगे, शॉर्ट सीजर्स जो 5 इंचेस की होती है, छोटे बालों के लिए, सीजर्स ओवरकॉम के लिए और नेप एरिया के बालों के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं मीडियम ब्लेड के बारे में। मीडियम ब्लेड जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मली 5.5 इंच के। 5.5 इंच के जो ब्लेड होते हैं वो हम किसी भी वॉल पे काट सकते हैं, किसी भी सेक्शन पे काट सकते हैं और ये बहुत ईजी है हैंडल करने में। सो एनीबडी कैन यूज इट। 5.5 इंच की, 5.5 इंच का कैसे आएगा, उस पर आप टेक्सचराइजिंग भी कर सकते हो, बाल भी काट सकते हो, पॉइंट कटिंग भी कर सकते हो। तो 5.5 इंच का ब्लेड नॉर्मली सब यूज करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे लॉन्ग ब्लेड्स की। लॉन्ग ब्लेड्स मतलब 6 इंचेस टू 7 इंचेस। ज्यादातर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो हमेशा 6 से 7 इंचेस की यूज करते हैं। जैसे देख लें मेरी 6.5 इंच की सीजर्स है, मैं 7 इंचेस की भी यूज करता हूँ। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो ज्यादातर 6 से 7 इंचेस की सीजर्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इजी हो जाता है आपके टेक्सचराइजिंग में, पॉइंट कटिंग में, स्लाइसिंग में, जितने भी लार्ज सेक्शंस हैं उनको काटने में बहुत आराम रहता है। तो इसलिए कभी भी आप लोग को ज्यादा लार्ज सेक्शंस यूज करने हो, पॉइंट कटिंग यूज करना हो, टेक्सचराइजिंग आपको करना हो, तो आप 6 से 7 इंचेस की सीजर्स यूज कर सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ सीजर्स के शेप के बारे में। सीजर्स का शेप बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना। सीजर्स के जो पार्ट है ना उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सीजर्स के पार्ट कैसे, सबसे पहले तो हम ये ब्लेड्स के बारे में पता करते हैं। इसमें एक होता है स्टिल ब्लेड, ये देख रहे हो आप, ये ब्लेड बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। कौन सा? मूविंग ब्लेड। सिर्फ एक ब्लेड मूव कर रहा है और एक ब्लेड स्टिल है, तो इसको बोलते हैं मूविंग ब्लेड और इसको बोलते हैं स्टिल ब्लेड। तो अभी ये जो देख रहे हैं आप, ये जो सर्कल्स हैं इनको हम लोग रिंग बोलते हैं। दिस इज द रिंग ऑफ द सीजर्स। और ये पीछे जो है इसको हम बोलते हैं फिंगर रेस्टिंग। सो ये फिंगर रेस्टिंग, ये रिंग हो गए और ये देख रहे हैं बीच में आप छोटा सा जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं साइलेंसर। साइलेंसर क्यों बोलते हो, ये देखो आप, सीजर्स की आवाज नहीं आती। अगर ये साइलेंसर नहीं होगा ना तो इसमें से आवाज बहुत आएगी, तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं साइलेंसर। और ये बीच में आप देख रहे हो स्क्रू, तो इसको हम बोलते हैं स्क्रू हैंडल। तो ये है हमारे पार्ट के नाम सीजर्स के, रिपीट कर देता हूँ। दिस इज स्टिल ब्लेड, दिस इज मूविंग ब्लेड, दीज आर रिंग्स, दिस इज रेस्टिंग फिंगर और ये आपका हो गया स्क्रू हैंडल और ये हो गया आपका साइलेंसर। तो ये आपके शेप और उसके नाम। सो आपका जो टॉपिक है सीजर्स होल्डिंग। सीजर्स होल्डिंग के दो तरीके होते हैं, एक होता है आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रेस्टिंग मोड और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है कटिंग मोड। अभी रेस्टिंग मोड आप लोग देख सकते हो मैं कैसे होल्ड कर रहा हूँ इसको, मेरी फिस्ट बनी हुई है, मतलब मेरी मुट्ठी बनी हुई है और मेरी जो सीजर्स है वो देख रहे हैं मेरे बाहों की तरफ जा रहा है। मतलब अगर मैं किसी क्लाइंट के ऊपर काम करता हूँ तो उसके फेस से ये जो पॉइंट है आगे का उसके फेस से अपोजिट जा रहा है। ये क्यों होल्डिंग कर रहा हूं मैं, उनको हर्ट ना हो, उनके स्कैल्प पे हर्ट ना हो, उनके फेस पे हर्ट ना हो, इसलिए हमेशा ये वाला जो रेस्टिंग मोड है आई ऑलवेज प्रेफर दिस। बहुत सारे लोग ऐसे भी पकड़ते हैं लेकिन क्या होता है कई बार मैंने देखा कि क्लाइंट को लगने का डर रहता है। अगर सपोज आप क्लाइंट के फेस के नीचे के बाल छुड़ा रहे हो तो कई बार लगने का डर रहता है, देख रहे हैं आप लोग। तो इसके लिए क्या है, अगर आपका रेस्टिंग मोड इस तरीके से है जहां मुट्ठी बना के आपको आपने इसको अपोजिट साइड लिया तो अगर आप फेस के पास भी काम करते हो तो क्लाइंट को लगने का डर कम रहता है। तो दिस इज द रेस्टिंग मोड। कटिंग मोड आप लोग देख सकते हैं कैसे है। कटिंग मोड में सिर्फ आपको थंब, ये देख रहे हैं आप थंब, हल्का सा थंब, 1/2 इंच थंब इस ऊपर वाले रिंग के ऊपर आपको अंदर डालना है और इसको चलाना है। देख रहे हैं आप लोग थंब कैसे चला रहा हूं मैं, दिस इज द कटिंग मोड सीजर्स का। और एक ब्लेड मेरा बिल्कुल स्टिल है, देख रहे हो आप लोग, दिस इज स्टिल एंड दिस इज माय, बिल्कुल अंदर हल्का सा जा रहा है। और होल्ड करने का तरीका और थोड़ा अच्छे से देखो, मैं थोड़ा इसको दूसरे तरीके से, यहां से इसको होल्ड किया, डायगोनली थोड़ा पीछे लेके आए
और जैसे आप इसको पीछे लेके आते हो तो आपका जो थंब है वो इजीली रीच हो जाता है आपके रिंग की तरफ। देखो अभी आप इसको अगर ऐसे होल्ड करोगे तो आपको आगे आना पड़ेगा, देख रहे हो। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसको आप थोड़ा डायगोनल पीछे लेके आओगे। आप जब बाल काट रहे हो तब की बात कर रहा हूं मैं, सिजर्स से जब आप बाल काट रहे हो होल्ड कर रहे हो, आपने इसको डायगोनली पीछे लिया, थंब लिया, थंब का रिंग के अंदर आपने हल्का सा थंब हाफ इंच, इससे ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। और ये देखो आप बिल्कुल आपका जो सिजर्स आप मूव कर रहे हो कितने इजीली मूव कर रहे हो, बहुत इजी हो जाता है। सो और जो आपकी लिटिल फिंगर है वो कहाँ पे है, फिंगर रेस्ट के अंदर अपनी लिटिल फिंगर डालते ही नहीं, बोलो क्या करते हैं, नीचे डाल देंगे, हवा में रखेंगे, ऐसे मत करो, इसको आपको रेस्टिंग फिंगर पे ही रखना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ आपने इसको डायगोनल किया और आपको इजीली आप बाल काट सकते हैं। देखो बहुत इजी लग रहा है अभी बाल काटने में। और यहां से भी ये देख रहे हैं आप, यहां से लिया और मूव मूव, थंब पूरा खुलना चाहिए आपका बिल्कुल, जितना जितना थंब आपका खुलेगा उतना ही अच्छा बाल काटेंगे। ये देखो आप इसी तरीके से, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, स्क्रू जो आपका इसका है ना, यहाँ पे स्क्रू वो बहुत लूज भी नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसको अभी देख रहे हो यहीं पे अटका हुआ है, और अभी अगर मैं इसको कहीं पे भी मूव करूंगा तो जो दूसरा मेरा जो मूविंग ब्लेड है वो जब तक मेरा थंब नहीं जाएगा जब तक वो हिलेगा नहीं, ये बहुत जरूरी है। आपने अभी थंब लिया उसके बाद में आप काटना शुरू करो। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज कटिंग मोड पे जब आपकी सीजर्स होती है, आई होप आपको समझ में आया होगा। रेस्टिंग मोड, इसको आप स्विच करो, इसको आप फ्लिप करो, और कैसे, ये देखो फ्लिप किया, यहाँ पे लिया फ्लिप किया और आपका कटिंग मोड सीजर्स हो गया। लेकिन अभी देखो यहाँ पे मेरी लिटिल फिंगर, फिंगर रेस्ट पे है मेरी लिटिल फिंगर, जैसे आप इसको रेस्टिंग मोड पे लेके जाएंगे आपको इसको हटा के ऊपर लेना पड़ेगा, और ये वाली फिंगर से आपको इसको पुश करना है, देख रहे हो आप। इस तरीके से आपको हमेशा कटिंग मोड से रेस्टिंग मोड पे जाना है। तो अभी क्या किया मैंने, यहां से अभी कटिंग मोड पे था, यहां से अभी मेरे को जाना है रेस्टिंग मोड पे, यहां से मैंने फिंगर हटाया देखो लिटिल फिंगर, और यहां से इसको पुश किया और इसको आपका रेस्टिंग मोड पे, और अभी मुझे जाना है किस पे, कटिंग मोड पे रेस्टिंग मोड से। तो अभी क्या करूंगा, यहां से गए और इसको हल्का सा आपने फ्लिप किया, देख रहे हैं आप। तो हल्का सा जैसे आप फ्लिप करते हो और इसके बाद आपकी जो फिंगर है लिटिल फिंगर है वो फिंगर रेस्ट पे जाएगा आप कट करने के लिए तैयार। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आपका टॉपिक है कटिंग विद सीजर्स, कटिंग विद सीजर्स में बाल कैसे काटते हैं, हाउ टू कट हेयर विद सीजर्स। देखिए मेरे हाथ में अभी कोम भी है और सीजर्स भी है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जब वो बाल काटते हैं उनके हाथ में हमेशा कोम रहता है, हमेशा ध्यान रखना आप लोग, ऐसा मत करना कि कोम नीचे रख दिया फिर उसके बाद में कटिंग के टाइम पे आपने कोम किया फिर नीचे रखा फिर बाल काटा, ये दोनों चीजें आपके हाथ में रहनी चाहिए। देख रहे हैं आप लोग मेरे हाथ में सीजर्स भी है और ये मेरी फिंगर्स है, तो मैंने यहाँ पे अपने कोम को भी होल्ड किया हुआ है, यहां से मैं कोम भी कर सकता हूं, यहां पे होल्ड किया बाल काटा अगेन रेस्टिंग मोड और कोम मेरे हाथ में रहने वाला है।
अभी कटिंग विथ सीजर्स का जो पॉइंट है, देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बताया था कि जब आप बाल काटते हो, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, जब आप बाल काटते हो तो आपकी सीजर्स डायगनल होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, डायगनल सीजर्स होना चाहिए, थंब इस रिंग के अंदर आएगा और बहुत हाफ एन इंच, इससे ज्यादा अंदर मत करना, बहुत अंदर किया तो आपका ब्लेड खुलना मुश्किल हो जाएगा। मेरा तो खैर अंगूठा ही नहीं जाता अंदर, लेकिन जिनके पतले अंगूठे हैं उनके हाथ में देखें, उनके अंगूठे बहुत अंदर तक लेते हैं, स्पेशली गर्ल्स, और जब वो चलाते हैं उसको तो ये जो ब्लेड है ना, ये थोड़ा सा खुलता है आपका, और जो रेस्टिंग, ये फिंगर रेस्टिंग पे ही आपकी मिडिल फिंगर होनी चाहिए। आप देखो, और जब चला रहा हूं मैं तो मेरा थंब पूरा खुल रहा है, मतलब आपका ब्लेड पूरा खुलना चाहिए। जितना आपका ब्लेड खुलेगा उतने ही अच्छे आपके बाल कटेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, ये जो स्क्रू है इसका, ये बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत लूज भी नहीं होना चाहिए। बहुत लूज होगा तो बाल भी नहीं कटेंगे प्रॉपर, और अगर बहुत टाइट होगा तो आपसे चलेगा नहीं। तो इतना होना चाहिए कि अगर आपने इसको यहाँ पे रोका तो ये नीचे ना आए, इतना, दिस इज द राइट वे, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया था। अभी कैसे चलाना है, प्रैक्टिस आप लोगों को मेरे साथ करनी है। कैसे, ये देखो, स्ट्रेट हैंड रखो, हल्का सा थंब अंदर, जैसे मैंने बताया था थोड़ा डायगोनल रहेगा, 1 2 3 4 5, ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हो, जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने नए बच्चे आए हैं, उनको आज इसी की ही प्रैक्टिस करनी है फुल डे। कैसे, 100 times इसकी करो, 100 times, 5-5 बार मैं दिखा रहा हूं, लेकिन आप लोग को जो प्रैक्टिस करनी है 100 times आज करना है। देखिए, दूसरा डायगनल देख रहे हो, डायगनल हो रहा है, मतलब मेरी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ डायगनल नहीं है। आपको थंब लाने के लिए आपको पूरा हाथ आगे लेके जाना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना। तो मेरी तरफ है सीजर्स, और ये देखो, 1 2 3 4 5, एक बेनिफिट और देख रहे हो आप जैसे ही इसको डायगनली, मतलब अपनी तरफ लेके आ रहे हो, तो यहां से आपको एक रेस्टिंग मोड मिल रहा है। ये देखो ना आप, जो मेरी फिंगर है इसके पास वाली, ये बिल्कुल इसके पास में आ रहा है, जिससे मुझे और इजी हो रहा है सीजर्स को होल्ड करना। इसका ध्यान रखना आप लोग, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एंड 1 2 3 4 5। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इससे क्या होगा कि जब आप एक्चुअल क्लाइंट के ऊपर काम करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा सीजर्स चलाना। और इसी तरीके से चलाना है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें चारों तरफ हो गया मेरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, स्ट्रेट 1 2 3 4 5, और नीचे 1 2 3 4 5। अभी ये जो मैंने चारों तरफ अपने हाथ को मैंने घुमाया, क्यों, क्योंकि कई बार आपको टेक्सचराइजिंग भी करनी पड़ती है, कई बार आपको पॉइंट कटिंग पे बाल काटना पड़ता है, कई बार आपको 0 degree, मतलब जो ब्लंट है, आपको बताया मैंने कि जो 0 degree पे बाल काटते हैं उसको ब्लंट बोलते हैं, तो आपको ब्लंट सीजर्स भी यूज करनी पड़ती है। तो आपका जो रिस्ट है ना, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो इसकी एक्सरसाइज करते रहना आप लोग, ताकि आप हर जगह इसको मूव कर सको। और बहुत जरूरी बात है कि जब आप सीजर्स यूज कर रहे हो उसके भी एंगल्स हैं, जैसे हम लोगों ने आपको बताया था कि 0 degree को ब्लंट बोलते हैं, तो इसको ब्लंट ही बोलते हैं। अगर मैंने ये अभी देखा 0 degree, तो इसका मतलब मैं ब्लंट काट रहा हूं, मतलब सीजर्स का ये एंगल भी ब्लंट ही बोलते हैं। तो दिस इज ब्लंट, दिस इज 45 degree, देख रहे हैं आप, ये जो आ रहा है अभी मैंने जो होल्डिंग करी है 45 degree, इसको हम बोलते हैं पॉइंट कटिंग। ये देखो, और इसमें जो बाल कटते हैं ना, बाल कटते तो हैं लेकिन zigzag, तो ये इसको ऐसे चलाना है। और ये है 90 degree, देखो आप 90 degree, तो 90 degree ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं टेक्सचराइजिंग के लिए, ज्यादातर यूज करते हैं टेक्सचराइजिंग 90 degree। पॉइंट कटिंग ज्यादातर जो आपको कट करने हैं ना, वो पॉइंट कटिंग पे ही करने हैं, अभी इसकी बहुत प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आ गया ना तो आपका काम अच्छा होने वाला। देख लो यहाँ पे हर जगह पे मेरी सीजर्स कैसे है डायगनल, बस इसका ध्यान रखो, और फिंगर्स मूव नहीं करनी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिंगर भी मूव करते हैं और थंब भी मूव करते हैं, ऐसे नहीं करना। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दिमाग में रखो, सीजर्स अच्छी बहुत इजीली चला सकते हो, और बहुत मजा आने वाला है ऐसी सीजर्स चलाने में। सिर्फ थंब मूव करेंगे, फिंगर्स नहीं मूव करेंगे, 45 डिग्री एंगल पे ज्यादा काम होगा। टेक्सचराइजिंग के लिए आप 90 डिग्री यूज करने वाले हो, और इसको हम ब्लंट कट बोलते हैं, जो कि हमारा है 0 degree। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कटिंग विथ सीजर्स कैसे करते हैं, बाल कैसे काटते हैं, हेयर कैसे काटते हैं। सो इट्स ईजी।
चलिए अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है कोम। जैसे मैंने आपको बताया था कोम के बारे में बहुत जरूरी आपको समझना, क्योंकि कोम आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। देख रहे हैं आप कितनी प्रोफेशनल कोम है। मैंने बहुत सारे स्टाइलिस्ट को देखा, वो टेल कोम से बाल काटने शुरू हो जाते हैं, या उनके पास जो कोम होती है वो घर पे जो कोम यूज करते हैं ना उससे बाल काटना शुरू कर देते हैं। तो उससे, एक टेल कोम से और वो नॉर्मल कोम से प्लीज मत काटना। हमेशा कोशिश करो अच्छी कोम लो। अच्छी कोम का जो डेफिनेशन वो ये है कि ये देख रहे हैं आप, ये बहुत स्ट्रांग कोम है। अगर आप थोड़ा सेक्शन, मतलब अगर आपने थोड़े बाल ज्यादा भी लिए तो ये बेंड नहीं होती, क्योंकि ये स्ट्रांग कोम है। और अगर आपकी कोम स्ट्रांग है ना तो आपका कट अच्छा होगा, बैलेंस होगा। तो ये इसका ध्यान रखो। और इसका साइज देख रहे हो आप, ये अराउंड 9 to 10 inches की कोम रहती है आपकी। ये साइज हमेशा ध्यान रखो कि इतनी ही साइज का लेके आना है। इसे छोटी लेंगे तो बाल तो सबसे ही कटते हैं, टेल कोम से भी बाल काटने वाले काटते हैं, लेकिन अगर आपको बाल अच्छे काटने हैं तो कोम आपको ऐसा यूज करना ही पड़ेगा। अभी इसमें आप टीथ देख रहे हैं इसके, ये वाइट टीथ है और ये बिल्कुल फाइन टीथ है, देख रहे हैं, मतलब इसमें गैप आ रहा है ब्रिसल्स में और इस ब्रिसल्स में गैप कम है। तो अभी ये जो टीथ है ये टेंगल फ्री करने के लिए काम आता है, टेंगल फ्री के काम आता है और सेक्शन बनाने का। देख रहे हैं अब ये आगे थोड़ा सा, ये थोड़ा हैवी दिख रहा होगा आपको, तो जब हम सेक्शन जब बनाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, 45 डिग्री सेक्शंस बनाते हैं। ये देखो आप, ये जो मोटा वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये टीथ में सबसे आगे वाला जो पहला वाला टीथ है, उसके बाद में ये टेंगल फ्री करेगा। आपने बालों को लिया और ये जो है जब आप बाल काटते हो तब आपको ये फाइन वाले जो ब्रिसल्स है वो काम आते हैं। होल्डिंग का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो होल्ड हमेशा कोम को बीच से करेंगे, ना आगे से करेंगे ना पीछे से करेंगे, होल्ड करने का तरीका ये है। देख रहे हैं, कभी भी आप बाल काटते हो ना, अभी इसको आपको मूव करते रहना पड़ेगा। ये देखो मूव, दिस इज आर मूविंग। अभी देख रहे हैं होल्डिंग कैसे करने हैं कोम की। जो सही तरीका है कोम को होल्ड करने का, प्रोफेशनल तरीका है कोम को होल्ड करने का, ये देखो मेरे मेरे फिंगर्स की पोजिशन देख रहे हो, ये आया और इसको होल्ड किया, देख रहे हो सेंटर से, ये थंब नीचे है, दो फिंगर ऊपर है और इसको जब आप मूव करते हो सो दिस इज हाउ यू हैव टू मूव इट। क्योंकि आपने सेक्शन निकालना है तो आपने यहाँ से होल्ड किया, आपने टेंगल फ्री किया और आप जब बाल काट रहे हो तो आपको यहाँ से फाइन वाले ब्रिसल से, तो आपको मूव करते रहना है हर टाइम पे, यू कीप मूविंग। तो जैसे ही आपका होल्डिंग अच्छा हो गया, आपकी सीजर्स आपके हाथ में है, सीजर्स हाथ में रखने हैं बाल काटते टाइम पे। तो ये छोटे से छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और एक बहुत सिर्फ एक एडवाइस आपको दे रहा हूँ, जब आप बाल काटते हो, लंबे बाल होते हैं, लंबे बाल जब आपके होते हैं कई बार क्लाइंट्स के ना इयर रिंग्स होते हैं, तो जल्दी जल्दी में जब आप कोम करते हो और वो बालों की वजह से दिखते नहीं है तो इयर रिंग्स खींच जाते हैं, तो क्लाइंट्स को हर्ट होता है। तो वहाँ आप क्लाइंट को बोल सकते हो भाई अपने इयर रिंग उतार लो। अगर किसी क्लाइंट ने गोल्ड का या डायमंड के कोई इयर रिंग्स पहने हैं तो उनको बोलो भाई अपने पास रखो, खींचा नीचे गिरा नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार कोम आपका अटक जाता है कान के अंदर, रिंग के अंदर। तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखो और ये एडवाइस आप क्लाइंट को दे सकते हो कि भाई अगर आप उतार सकते हो तो उसको उतार लो। और थोड़ा आप लोग भी ध्यान से करो कि भाई कान पे अगर इयर रिंग है और वो क्लाइंट नहीं उतार सकता तो उनके ना लगे। होल्डिंग की पोजीशन आपको समझ में आ गई, कोम 9 से 10 इंच का लेना है आपको वो समझ में आ गया, प्रोफेशनल लेना है, स्ट्रांग लेना है और होल्ड बीच से करना है और उसको मूव इस तरीके से करना है। आई थिंक सो आपको कोम होल्डिंग का तरीका समझ में आया होगा। सीजर्स का आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, आई होप अभी आप सीजर्स कोम के साथ प्ले कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। हेलो गाइज, दिस इज जस्ट फ्रॉम सैमेंजर्स हेयर एंड मेकअप अकेडमी मुंबई। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। आज का टॉपिक है हमारा गाइडलाइन। गाइडलाइन एक्चुअली होती क्या है आज हम लोग उस पर बात करेंगे। गाइडलाइन का मतलब पता है ना आप लोगों को? हाँ, गाइडलाइन का मतलब होता है कि जब हम हेयर कट करते हैं तो हम एक पहले गाइडलाइन क्रिएट करते हैं फिर उसको हम फॉलो करते हैं। तो उसके कुछ नाम है, स्टेशनरी गाइडलाइन के बारे में बताने वाला हूँ, ट्रेवलिंग गाइडलाइन के बारे में बताने वाला हूँ और ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन के बारे में बताने वाला हूँ। तो हमारे पास में 3 गाइडलाइन है, तीनों के अलग अलग नाम है और देखते हैं करते कैसे हैं। तो अभी का जो टॉपिक है हमारा स्टेशनरी गाइडलाइन। स्टेशनरी गाइडलाइन को आप फिक्स गाइडलाइन भी बोल सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है फिक्स गाइडलाइन स्टेशनरी गाइडलाइन का, कि आपने एक गाइडलाइन क्रिएट किया ना उस पे सारे बाल वहीं पे फॉलो करके काटने हैं आपको। तो प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ, मॉडल हमारे साथ में है, देखिए कैसे। जैसे सपोज हमने यहाँ पे बाल लिए और हमने यहाँ पे इस बाल को काटा तो ये हो गई मेरी गाइडलाइन। अभी जितने भी बाल है ना मेरे, मैं सारे के सारे बालों को इसी पे लेके काटने वाला हूँ। ये देखिए, ये भी इसी पे काट रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से भी आ रहा हूँ,
ये भी यहीं काट रहा हूं, मतलब मेरी जो गाइडलाइन है इसी पे ही सारे बाल कटने वाले हैं। तो क्या क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी गाइडलाइन। और ये मैं सारे के सारे बाल इसी पे ही फॉलो करने वाला हूं, इसी पे। देखिए साइड वाले बालों को भी यहीं पे लूंगा, यहां वाले बालों को भी यहीं पे लूंगा, यहां पे फ्रंट पे देख रहे हैं आप, जो मैंने गाइडलाइन क्रिएट किया है वो इसी पे ही काटूंगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेशनरी गाइडलाइन। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरवर्ड ग्रेजुएशन वन लेंथ, कभी भी आप देखो हम वन लेंथ करते हैं उस पर भी हम लोग फॉलो करते हैं जीरो डिग्री को। तो यहां का बाल भी अगर मैं पीछे लेके काट रहा हूं तो इसका जीरो डिग्री नहीं है ना पीछे, वो नेप एरिया मतलब हेयर लाइन का जो है वो जीरो डिग्री है, लेकिन फॉलो कर रहे हैं हम आगे तक के बालों को, तो वहां उसको जीरो स्टेशनरी गाइडलाइन बोल सकते हैं। अभी फॉरवर्ड ग्रेजुएशन पे आप जब बाल काटते हो तो अब आगे जीरो डिग्री पे काटते हो ना, और अगर आप पीछे तक के बालों को काटोगे मतलब प्रोफाइल तक के बालों को आगे लेके काटोगे सो दैट इज स्टेशनरी, मतलब जीरो डिग्री स्टेशनरी। तो आई होप आप लोगों को स्टेशनरी गाइडलाइन समझ में आई होगी। अभी का जो टॉपिक है वो है ट्रेवलिंग गाइडलाइन। ट्रेवलिंग गाइडलाइन में देखिए अभी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, जैसे इसका नाम है ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग मतलब उसको आप मोबाइल गाइडलाइन भी बोल सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने एक ये सेक्शन लिया और इस सेक्शन को मैंने गाइडलाइन बनाया, उसके बाद में यहां से मैंने एक और बाल उठाया और इस गाइडलाइन से मैंने यहां पे बाल काटा, तो जैसे बाल काटा जो पहले वाली मेरी गाइडलाइन उसको छोड़ दिया, तो अभी देखिए मूव हो गया ना, मैं यहां पे था यहां आ गया, अभी इसको काटा और इसको गाइडलाइन के तौर पे लिया और आगे वाला बाल काटा तो पहले वाले बालों को छोड़ा। अब देख लो मैं मूव कर रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, आई एम ट्रेवलिंग, मतलब यहां पे गाइडलाइन क्रिएट किया फिर उसको आगे फॉलो करके काट रहा हूं, सो इसको बोलते हैं हम ट्रेवलिंग गाइडलाइन। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है 90 डिग्री, यहां बाल काटा आधे बाल छोड़े आधे गाइडलाइन को फॉलो किया। अगर मैंने यहां पे बाल काटना शुरू किया तो आप देखोगे मैं मूव करता रहूंगा और मेरी गाइडलाइन जो है वो आगे की नई बनती रहेगी, तो इसका हम बोलते हैं ट्रेवलिंग गाइडलाइन। अभी का जो टॉपिक है वो है ओवर डायरेक्शन। ओवर डायरेक्शन जैसे अब नाम है इसका ओवर डायरेक्शन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हो सकता है कि अभी जो मैं बताऊं शायद आपको समझ में ना आए, तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना तभी समझ में आएगा ओवर डायरेक्शन। बताने से अच्छा है प्रैक्टिकल बता देता हूं आपको ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन कैसे होती है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। ओवर डायरेक्शन में दो तरीके की गाइडलाइन होती है, पहली फ्रंट ओवर डायरेक्शन, दूसरा बैक ओवर डायरेक्शन। देखते हैं पहले ओवर डायरेक्शन है क्या। जैसे आपने यहां से बाल उठाए ये देख रहे हो आप, ये ओवर डायरेक्शन में कभी नहीं आएगा, ये हमेशा डिग्रीज में आता है, एलिवेशन में आता है। देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने सारे बाल लिए, ये मेरा 180 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ऐसे होता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये डिग्रीज हो गए, लेकिन अगर मैं इसको यहां पर ट्रेवल कर रहा हूं देख रहे हो आप, तो यहां पर कभी भी डिग्रीज नहीं आएंगे, यहां पर आप हमेशा यूज करोगे ओवर डायरेक्शन, मतलब ये डिग्रीज और ये ओवर डायरेक्शन। तो अगर मैं यहां की बात करता हूं टॉप एरिया की, तो ये डिग्री आ गई आपके ऊपर के बालों की, ये 90 डिग्री आ गया, ये 0 डिग्री आ गया, ये 180 डिग्री आ गया, लेकिन अगर मैं साइड से लेके जाता हूं सो दैट इज कॉल्ड ओवर डायरेक्शन। आई होप आप लोगों को ओवर डायरेक्शन का मतलब समझ में आया होगा। अभी ओवर डायरेक्शन की फ्रंट गाइडलाइन के बारे में बात करता हूं। फॉरवर्ड ग्रेजुएशन इज द बेस्ट फॉर ओवर डायरेक्शन। सपोज मैंने एक गाइडलाइन क्रिएट किया आगे, अभी इसके ऊपर सारे बाल काटने, मैंने आपको बताया था स्टेशनरी, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी जैसे पहले बताया था, लेकिन स्टेशनरी गाइडलाइन पे ये जो पीछे वाले बाल आगे लेके जा रहा हूं देख रहे हो आप, पीछे वाले बाल आगे जो लेके जा रहा हूं उसको बोलते हैं फ्रंट ओवर डायरेक्शन। समझ में आया आपको, स्टेशनरी गाइडलाइन में जो पीछे के बाल आगे लेके जा रहा हूं वो बेसिकली ओवर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा, उसमें डिग्री नहीं है। तो अभी ये वाला बाल भी इसके ऊपर काटा, ये देख रहे हो आप, ये वाला बाल मतलब पीछे से आगे लेके गया, काटना हो स्टेशनरी पे, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर बालों की बात करूं या सेक्शन की बात करूं तो मैं ये सेक्शन ओवर डायरेक्ट कहां कर रहा हूं, फ्रंट पे, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रंट ओवर डायरेक्शन, फ्रंट ओवर डायरेक्शन, फ्रंट ओवर डायरेक्शन। तो ये हुआ हमारा फ्रंट ओवर डायरेक्शन, मतलब
हम लोग सारे बालों को पीछे वाले बालों को आगे लेके जा रहे हैं। अभी शॉर्ट हेयर कट में जैसे आप बॉब हेयर कट करोगे, जब आप बॉब हेयर कट देखोगे तो हम क्या करते हैं, पीछे की गाइडलाइन हम लोग ने क्रिएट किया, इन वाले बालों को हम पीछे लेके आ रहे हैं, मतलब आगे के बालों को पीछे। तो क्या हो गया, आगे के बालों को पीछे लेके आएंगे तो क्या बोलेंगे, बैक ओवर डायरेक्शन। तो अभी मेरी ये गाइडलाइन क्रिएट हुई, इसको मैं पीछे ओवर डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको पीछे ओवर डायरेक्ट कर रहा हूं, बैक ओवर डायरेक्ट कर रहा हूं, बैक ओवर डायरेक्शन दे रहा हूं, ये देख रहे हो आगे के बालों को पीछे। तो सिंपल, इसको बोलेंगे बैक ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन, उसको बोलेंगे फ्रंट ओवर डायरेक्शन गाइडलाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, यहां से यहां पे, ये हमेशा एलिवेशन पे आता है, ग्रेजुएशन पे आता है, लेयरिंग में आता है, डिग्रीज में आता है। लेकिन अगर मैं हेड के इस तरीके से बात करूं ना यहां से, तो ये डायरेक्शन, मतलब ओवर डायरेक्शन के लिए आप हमेशा वर्ड यूज करोगे, उसको डिग्रीज के लिए नहीं यूज करोगे। अगर मैं ये वाले बालों को यहां से लेके जाने की बात करता हूं तो डिग्री वही रहेगी लेकिन ओवर डायरेक्शन होंगे। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, ये देखो ये सेक्शन लिया मैंने और इस सेक्शन को मैंने 90 डिग्री पे काटना है। अभी 90 डिग्री पे ना काट के अगर मैं इसको ट्रेवल करता हूं, देख रहे हो बिल्कुल उसी एंगल पे जा रहा है, तो अब इसको क्या बोलोगे, 90 डिग्री ओवर डायरेक्शन। सिंपल, फ्रंट पे लेके जा रहा हूं, अभी यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे लेके आया, एंगल वही है, डिग्री वही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ओवर डायरेक्ट कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को ओवर डायरेक्शन समझ में आया होगा, ओवर डायरेक्शन के दोनों, फ्रंट ओवर डायरेक्शन और बैक ओवर डायरेक्शन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा गाइडलाइंस का, तीनों तरह की गाइडलाइन मैंने आपको बताई है, तीनों गाइडलाइंस को अच्छे से समझना और टेक्निकल टर्म ही यूज करना जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, दिस इज जस्ट फ्रॉम साइमन जस हेयर एंड मेकअप अकेडमी मुंबई, और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं डिग्रीज। डिग्रीज मतलब इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मुझे लगता है कि आप बाल नहीं काट पाएंगे। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को प्रॉपरली अच्छे से समझ लेना, और मेरा आप लोगों को एडवाइस ये है, अपने अपने कान आंखें और दिमाग सब खोल के रखना और मोबाइल को साइलेंट पर रखना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कैसे करना है ये समझ लो। अभी हमें जो डिग्रीज है, पहले तो मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन देता हूं कि एक्चुअली डिग्रीज है क्या। डिग्रीज का मतलब होता है जब आप बालों को एलिवेट करते हो, एलिवेट का मतलब होता है बालों को ऊंचाई पे लेके जाते हो, बालों को उठा के काटते हो, उसको हम बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन एलिवेशन मतलब आप जब बालों को उठा के काट रहे हो तो कौन से डिग्री पे काट रहे हो और क्यों काट रहे हो, समझ में आया आप लोग को। डिग्रीज का मतलब जब मैं बालों को उठाता हूं, कौन से डिग्री पे काटता हूं, क्यों काटता हूं, उसको हम एलिवेशन बोलते हैं। और जिस एलिवेशन में मैं बाल काट रहा हूं, वो क्यों काट रहा हूं, उसके बारे में मैं बात करता हूं। और इसको जो डिग्रीज है, इसका एक वर्ड और है एंगल, मीनिंग एक है, एंगल भी बोल सकते हो आप, डिग्रीज भी बोल सकते हो। तो डिग्रीज एंड एंगल इज द सेम थिंग। अगर मैं बोल रहा हूं कौन से एंगल में बाल काट रहे हो तो आप बता सकते हो मैं इस एंगल में बाल काट रहा हूं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कौन से डिग्री में बाल काट रहा हूं, मतलब मीनिंग इज सेम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिग्रीज का मतलब है कि आप जो बालों को उठाते हो, वो उठा के काटने के लिए उसको हम कौन से डिग्री पे काट रहे हैं। अभी हमको जो समझना है कि हम लोग 0 डिग्री पे क्यों काटते हैं, हम लोग 45 डिग्री पे क्यों काटते हैं, हम लोग 90 डिग्री पे क्यों काटते हैं, हम लोग 135 डिग्री पे क्यों काटते हैं, और हम लोग 180 डिग्री पे क्यों काटते हैं। देखिए ये जितने भी डिग्रीज के नाम लिए हैं, कॉमनली हर जगह पे इसी डिग्रीज पे काम होते हैं। कुछ कट्स में ऐसे भी हैं जो 360 पे भी काटता हूं, लेकिन अभी जो मैं बेसिक्स, हमारे जो कॉमन हमारे जो डिग्रीज हैं उसके बारे में पहले तो मैं आपको उनके नाम बता देता हूं। जो 0 डिग्री है उसको हम बोलते हैं ब्लंट, या तो मैं 0 डिग्री बोलूंगा या ब्लंट बोलूंगा। तो ब्लंट मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब ब्लंट। उसके बाद में आता है आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री को मैं वेज भी बोलता हूं और 45 डिग्री भी बोलता हूं, दोनों एक ही बात है। अगर मैंने बोला कि आपने कौन से एंगल पे काटा तो आप बोलो मैंने वेज पे काटा, मेरी समझ में आ जाएगा कि आपने 45 डिग्री पे बाल काटे हैं। उसके बाद आता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है लेयरिंग, मतलब उसको आप लेयरिंग भी बोल सकते हो और उसको आप 90 डिग्री भी बोल सकते हो। और उसके बाद में आता है 135 डिग्री, 135 डिग्री को आप बोल सकते हैं मिनिमम लेयर्स, मतलब लेयरिंग है लेकिन उसमें थोड़ी सी मिनिमम, तो उसको आप बोलेंगे मिनिमम लेयर्स। तो 135 डिग्री इज कॉल्ड यस मिनिमम लेयर्स। और उसके बाद में आता है हमारा क्या 180 डिग्री को बोलते हैं शैग, शैग मतलब 180 डिग्री, 135 डिग्री मतलब मिनिमम लेयर्स, 90 डिग्री मतलब लेयर्स,
45 डिग्री मतलब वेज एंड 0 डिग्री मतलब ब्लंट। आई होप आप लोगों के नाम समझ में आ गए होंगे। अभी हम शुरू करते हैं कि हम इन डिग्री से बाल काट क्यों रहे हैं। 0 डिग्री जो है वो हमेशा हम लोग इसको सिर्फ हम लोग काटते हैं ताकि हम बालों में एक शेप दे सके। बालों के अंदर जो शेप है उसको देने के लिए हम लोग किस पे काटते हैं, 0 डिग्री पे। हर कट में आपको 0 डिग्री करना है, हर कट में आपको वन लेंथ करना है, तो वन लेंथ कट पे हमेशा हम लोग काटते हैं 0 डिग्री पे, और ये आपको आना बहुत जरूरी है। तो दिस इज 0 डिग्री इज बेसिकली, ये ब्लंट कट इज बेसिकली टू डू द शेपिंग, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा बाल ना निकले। तो आप किसी भी लेंथ पे काट सकते हो, आप छोटी लेंथ पे काट सकते हो, बड़ी लेंथ पे काट सकते हो, शॉर्ट हेयर पे काट सकते हो, लॉन्ग हेयर पे काट सकते हो। तो ये जैसे कि मैंने बताया 0 डिग्री हर कट पे करना है, लंबे बालों पे करना है, छोटे बालों पे करना है, एक्स्ट्रा वेट निकालने के लिए करना है, और बालों के अंदर शेप देने के लिए करना है। होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग को 0 डिग्री क्यों करना है और इसमें क्या नहीं आता 0 डिग्री करने में। 0 डिग्री करते हैं तो उसमें कोई लेयरिंग नहीं आता, इट इज जस्ट शेपिंग। तो आप कभी भी 0 डिग्री पे बाल काटते हो तो आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, ना तो इसमें लेयर आ रहा है, ना इसमें कोई बॉडी आ रही है, ना इसमें कुछ मूवमेंट्स आ रहे हैं, ना इसमें कोई स्टाइल आ रहा है। इट इज जस्ट अ शेप टू द हेयर। उसके बाद में आता है हमारा 45 डिग्री विच इज वेज। अभी ये जो डिग्री है ये ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं, ये करते हैं हम लोग किस पे, शॉर्ट हेयर कट पे, बॉब हेयर कट पे, ब्लंट हेयर कट पे। ये बेसिकली जो जितने भी शॉर्ट बाल है ना, ये हम हमेशा उस पे काटते हैं। अफेक्ट आता है वो ग्रेजुएशन का आता है। ग्रेजुएशन का मतलब देखिए, 45 डिग्री मतलब सब बाल चिपक के जो लेयरिंग आती है वो सब मिनिमम आती है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन। तो आप जो वेज पे बाल काटते हो, मतलब 45 डिग्री पे बाल जो काटते हो, पहली बात वो हमेशा ज्यादातर छोटे बालों पे काटते हो। अगर आप लंबे बालों पे 45 डिग्री पे बाल काटते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं काट, वी वर्क ऑन 45 डिग्री, लेकिन उसका कुछ रीजन होता है कि आपको बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं देनी, या आपको नीचे से जो इसके पैरामीटर्स है नेप एरिया के बाल पे आपको थोड़ा हैवी लुक देना है, वहां पे आप 45 डिग्री करते हो। लेकिन ऑल ओवर अगर आप कट लंबे बालों पे करोगे 45 डिग्री का, तो उतना नजर नहीं आता। तो इसलिए ये कट 45 डिग्री का वेज हेयर कट जो हम लोग करते हैं, वो हम लोग करते हैं हमेशा शॉर्ट हेयर कट में, जो कि है हमारा बॉब हेयर कट, और ये हमें देता है ग्रेजुएशन का फी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद में आता है मेरा बहुत ही फेवरेट 90 डिग्री, जिसमें कि मैक्सिमम लेयर्स आती हैं, इतनी लेयर्स आती हैं, और ये आपको करना है किस पे, जिनकी पर्सनैलिटी बहुत वाइब्रेंट हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ डायना कट। अगर आप डायना कट को देखेंगे, आप कभी भी गूगल पे जाके चेक करें, डायना वॉज अ लेडी एंड उनके जो बाल थे वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड फेमस बाल है, उनका जो कट था उसका नाम ही डायना कट पड़ गया। तो वो जो कट है वो मेरा बड़ा फेवरेट है। और अगर मैं दूसरी लेडी की बात करूँ तो सैम मैडम की बात करता हूँ, हमेशा सैम मैडम के जो बाल हैं वो 90 डिग्री पे ही कटते हैं। अभी ये आता है कि कौन से टेक्सचर्स पे करना है। ये जो टेक्सचर है ये आपका, जिसके बाल बहुत ज्यादा हो, मोटे बाल हो, हैवी बाल हो, आप ये कट उस पे करो। और जिसकी पर्सनालिटी बहुत ही स्टाइलिश हो, जिसको अपने लुक्स के साथ में प्ले करना हो, जो हर बार अपने लुक्स के साथ में कभी छोटे कभी बड़े बाल रखते हो, और ये जो बाल कटते हैं कौन सी लेंथ पे, छोटे वालों पे भी, मतलब मीडियम वालों पे भी, और शॉर्ट हेयर पे भी, ये आप उस पे कर सकते हो। या अगर कर्ली बाल है, अब ये कट करते हो कर्ली वालों के ऊपर, तो ये कर्ली वालों पे आपको लंबे वालों पे काटना है। ध्यान रखना, कर्ली बाल होंगे 90 डिग्री पे बाल काटते हो, लेयरिंग पे बाल काटते हो, तो आपको कर्ली बालों पे, लंबे बालों पे बाल काटने हैं। लेकिन अगर आपके बाल वेवी है या स्ट्रेट है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके बाल बहुत ज्यादा होने चाहिए, बाल पतले नहीं होने चाहिए, बाल थिक होने चाहिए। थिक बाल हो, बहुत सारे बाल हो, आप उस पर 90 डिग्री कट करो, जैसे सैम मैडम के बाल है एग्जाम्पल के तौर पे, या डायना कट है। डायना जो कट है वो थोड़ा छोटा है, सैम मैडम का वही वर्जन थोड़ा बड़ा है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू लिटिल एग्जाम्पल, जिसके बाल मोटे हो, ज्यादा हो, और जो पर्सनालिटी जिसकी वाइब्रेंट हो, आप उसके ऊपर करो। बहुत हैवी फेस के ऊपर मत करना, ओवल फेस पे बहुत अच्छा लगता है। ओवल फेस, मोटे बाल, हैवी बाल, स्ट्रेट हो, भले वेवी हो, आप मीडियम टू शॉर्ट हेयर पे इस कट को कर सकते हो। लुक्स ब्यूटीफुल एंड दिस इज माय फेवरेट लेयर। मतलब 90 डिग्री पे मेरे को प्ले करने में बहुत मजा आता है। जितने भी मेट्रोपॉलिटन्स हैं वहां पे लड़कियां जो हैं वो थोड़े से अपने लुक्स के साथ में दे प्ले अलॉट। तो आई थिंक सो कॉलेज गोअर गर्ल कोई है, जो कॉलेज में लड़कियां जाती हैं उनके ऊपर ये कट बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप अगर आप ये कट पे अपने सैलून पे काम करते हो, और अब ज्यादातर क्लाइंट्स को ये वाला कट करते हो, तो आपका मार्केट में नाम ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये कट दिखता बहुत अच्छा है। मेक ओवर कट भी मैं इसको बोलता हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आएगा 90 डिग्री। तो हमने बात कर ली 0 डिग्री की, हमने बात करी 45 डिग्री की, और हमने बात की 90 डिग्री की। अब हम आते हैं 135 डिग्री। बहुत सारी लड़कियों का ये बड़ा फेवरेट कट है। क्यों? क्योंकि जैसे कि इसमें नाम है मिनिमम लेयर्स,
और ये जो है ये अगेन ये भी उसी टेक्सचर्स पे काम करना है जैसे कि हम लोग, मैंने आपको बताया कि हम लोग को 90 डिग्री, मतलब मोटे वाले बाल हो, सीधे बाल हो और वेवी बाल हो, लेकिन बहुत सारे बाल हो, इसमें प्लस पॉइंट क्या है इस कट को, इस डिग्री को लेने का, कि ये डिग्री जैसे मैंने बताया 90 डिग्री में मीडियम टू शॉर्ट पे आप जा सकते हो, ये मीडियम लॉन्ग पे आता है। जैसे जहां लॉन्ग वर्ड आ जाता है वहां पे लड़कियां, उनको तो वही चाहिए मीडियम लॉन्ग ही सही। अगर बहुत लंबे रखते हैं तो उतना लुक नहीं आता, तो लंबे भी है, छोटे भी नहीं है, लेयरिंग भी ज्यादा है और लगता भी बहुत खूबसूरत है। तो 135 डिग्री मेरे क्लाइंट्स का बड़ा फेवरेट है, ऑफ कोर्स मेरा भी फेवरेट है। 135 डिग्री जो है, जिसका हम लोग का नाम है मिनिमम लेयर्स, उसको हम करते हैं किस पे, मीडियम लॉन्ग बालों पे। इसको हम करते हैं जिनके बाल मोटे हो, जिनके बाल बहुत सारे हो, जिनका फेस ओवल हो, और ये कट लगता है बड़ा ही खूबसूरत, तो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। अगर बहुत सारे वेव्स हो, थोड़ा सा मीडियम टेक्सचर भी हो या फाइन भी हो, तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें लेयरिंग बहुत आती है, बॉडी बहुत आती है, बाउंस बहुत आता है, और ये कट जो है आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। एंड आई थिंक सो यू शुड ट्राई दिस कट ऑन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स। जितनी भी लड़कियां आपके पास में आ रही है, आप उनको बोलो कि ये कट करो, ये कट आपका सैलून का काम बढ़ाएगा, क्योंकि यही कट है जो आपकी ग्रोथ देने वाला है और आपका कट जो है मार्केट में दिखने वाला है। चलिए अभी बहुत जरूरी कट आ रहा है, विच इज शैग। शैग कट मतलब 180 डिग्री का हेयर कट। 180 डिग्री का हेयर कट जो है ये आपके सैलून में सबसे ज्यादा होने वाला है। उसका रीजन है कि बहुत सारे लोग अपने लुक्स के साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तो ये किस पे करना है, ये हाउसवाइफ पे करना है, या जिसको अपने बालों पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, या जिसको बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी के बहुत ज्यादा बाल हो, क्योंकि एक ही कट आप अलग अलग टेक्सचर्स पे करते हो, उसके लुक अलग आते हैं। जैसे अगर आपने डिंपल कपाड़िया जी के बाल देखे हो, तो उनके लंबे भी हैं और उनके बहुत सारे लेयरिंग भी है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं आप लोग को इनके नाम, क्योंकि आप लोगों ने इनको देखा हुआ। डिंपल कपाड़िया जैसे अगर बाल आते हैं तो आपके बालों पे लेयरिंग बहुत खूबसूरत लगती है, बॉडी भी बहुत अच्छे देता है, क्योंकि ये पोर्शन को हम लोग 90 डिग्री पे काटते हैं और पीछे वाले पोर्शन को हम लोग, मतलब नेप एरिया के बालों को हम लोग 180 डिग्री पे, मतलब शैग पे काटते हैं। तो ये जो कट है ये लंबे बालों के लिए है। आप इसको वेवी बालों पे कर सकते हो, आप इसको कर्ली बालों पे भी कर सकते हो, आप इसको स्ट्रेट बालों पे भी कर सकते हो, और इसका जो लुक आता है बहुत अच्छा है। नेचुरल स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटनिंग किए हुए बालों की बात नहीं कर रहा, नेचुरल स्ट्रेट। बहुत सारे बाल हो, नेचुरल वेव्स हो, ज्यादा बाल हो, बहुत अच्छा लगता है, डिंपल का बढ़िया लुक आता है, और अगर कर्ली बाल हो तो उसको और लंबा लेकर के आप काट सकते हो। बाकी जो फिंगर मूवमेंट्स है आपकी, वो आपको कट के टाइम पे एक्सप्लेन हो ही जाता है कि आपको ये डायगनल क्यों रखना है या हॉरिजॉन्टल क्यों रखना है। ये जो भी आपका फिंगर्स का रहेगा वो आपके अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन, क्लाइंट टू क्लाइंट, हेयर टू हेयर, टेक्स्चर टू टेक्स्चर डिफाइंस, वो आपको कट्स के बारे में होगा। लेकिन 180 डिग्री जहां पे नाम आता है, उसका मतलब है 180 में क्या होता है कि आपका लुक बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन आपके बालों में लेयरिंग आ जाती है, अच्छी बॉडी आ जाती है, उतनी नहीं आती जितनी 90 पे और 135 डिग्री पे आती है, लेकिन इस पे भी अच्छा लुक आ जाता है, सेटल लुक आता है। और जैसे कि मोस्टली लड़कियों को क्या चाहिए, लंबे बाल, तो ये लंबे बालों के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो शैग कट है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये थी डिग्रीज, और मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ कि हम लोग ये लेयरिंग और ये जो शैग है कट, और हम लोगों ने जितने भी डिग्रीज किए हैं उसका बेनिफिट क्या है। जब आप 0 डिग्री में बाल काटते हो, आपका ये लेंथ यहां तक जाता है, लंबा रहता है, तो बालों में वेट बहुत रहता है। जब बालों में वेट बहुत रहता है तो बाल टूटते भी ज्यादा है, खराब भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये जितने भी डिग्रीज के ऊपर बाल काटते हैं, तो उससे एक बेनिफिट ये होता है कि आपके क्लाइंट के बाल अच्छे रहते हैं, क्योंकि छोटे रहते हैं, मैनेजेबल रहते हैं, स्टाइलिश रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्लाइंट्स के ऊपर आपको आपके सैलून में जो काम करना है, इस चीज को समझना, सबसे ज्यादा 180 डिग्री, 135 और 90 के ऊपर ही प्ले करना। और अगर बहुत ज्यादा स्टाइलिश कोई क्लाइंट आता है तो बॉब के ऊपर आप प्ले करना, विच इज वी वर्क ऑन वेज, मतलब 45 डिग्री के ऊपर। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये पॉइंट्स हैं डिग्रीज के, एंगल्स के। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अभी मैं आप लोग को डमी के ऊपर सारी डिग्री समझाने वाला हूँ, क्योंकि हर पोर्शन का 0, 90, 45, 135, 185 सबका अलग अलग रहने वाला है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ डमी के ऊपर कि हर पोर्शन का डिग्री एंगल कौन सा रहता है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। सो देखिए गाइस, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को डिग्रीज के बारे में तो सारा समझा दिया, तो अभी हमें क्या करना है, मैं आपको लाइव मॉडल पे, जैसे हमारी मैडम आई है आज,
मैडम का नाम डमी है, तो डमी मैडम के ऊपर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आई थिंक सो आपको इनके ऊपर ज्यादा समझ में आएगा अगर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो सेक्शंस हैं, जो आप लोग के एलिवेशंस जो आप लोग ले रहे हैं, एलिवेशंस का मतलब जो भी आप बाल उठा रहे हो 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, वो एक्चुअल हेड पे कहाँ पे, जैसे कि आप लोग हेड देखते हो उसमें एग्जैक्टली कौन सी डिग्री ले रहे हो, आप कौन सा एंगल ले रहे हो, वो आपको हम डमी मैडम के ऊपर सिखाने वाले हैं। यहाँ पे क्या आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, मैंने दो कोम लिए हैं, अभी दो कोम्स में आपको क्या करना है, देखिए ये जो ब्रिसल्स हैं बड़े वाले, एग्जाम्पल के तौर पे इसको माइंड में रखना, इसको समझना कि ये ऑपोजिट साइड है, मतलब 180 डिग्री की साइड है। ये जो नीचे का पोर्शन आपको दिख रहा है इसको समझना आपके ये 0 डिग्री की तरफ, मतलब जो फॉल नीचे की साइड कर रहा है, ग्रेविटी की तरफ कर रहा है, और जो बीच का पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग 90 डिग्री। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जो कोम के थ्रू करने वाला हूं, इसको मैंने देखो ये क्या बनाया, मैंने बना दिया इसको डी, जो मतलब आपके ज्योमेट्री बॉक्स पे सेमी सर्कल होता था, ज्योमेट्री बॉक्स पे, दिस इज व्हाट आई हैव मेड इट। तो ये जो बिग ब्रिसल्स है ये है 180 डिग्री, जो फाइन ब्रिसल्स है इसको समझना 0 डिग्री, और ये जो पोर्शन है आपको मैंने जो ऊपर कोम रखा हुआ है इसको समझना 90 डिग्री। ये जो डी है आपका, डिग्री जो है आपकी, ये हर आपके हेड के शेप के अलग अलग है। देखो अभी हेड का शेप यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, तो ये पूरे शेप को मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हर पार्ट का, आपके हर पोर्शन का 90 कहाँ है, 0 कहाँ है, 180 कहाँ है, 135 कहाँ है, एंड 45 कहाँ है। जैसे कि मैंने आपको इन सब के नाम भी बताए हैं, इसी तरीके से पहले मैं आप लोग को यहाँ भी बताता हूँ। हम लोग शुरू करते हैं पीछे से, ये है हमारा नेप एरिया। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं नेप एरिया का, नेप एरिया का 0 डिग्री देख रहे हो आप लोग, दिस इज कॉल्ड 0 डिग्री। यहाँ पे सारे बालों को अगर मैं नीचे लेके काटता हूं तो ये सब 0 डिग्री पे आते हैं, दिस इज, देख रहे हो आप, ये है 0 डिग्री पे। अगर आप इसका 90 डिग्री देखते हो, नेप एरिया की बात कर रहा हूं, नेप एरिया की अगर आप 90, ये 90 है, समझ में आया आपको, दिस इज 90 डिग्री, ये देखो आप, ये है 90 डिग्री, लेकिन ये कैसे आ रहा है, डायगोनल आ रहा है, ये देखो डायगोनल आ रहा है 90 डिग्री, क्योंकि हेड का शेप कैसे है, डायगोनल है, तो यहां पे ये डायगोनल आने वाला है, ये 0 डिग्री यहां आ गया, ये 90 डिग्री, और इसका अगर मैं इस पोर्शन की, पर्टिकुलर इस पोर्शन की बात करूं तो इसका 180 डिग्री, ये देख लो आप, सीधा ऊपर जाने वाला है, यहां नहीं आने वाला, ये 180 डिग्री नहीं है इसके, देख लो आप, ये 180 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री कहां है इसका, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं आपको, इस हेयरलाइन की बात कर रहा हूं आपको, इस हेयरलाइन का जो 180 डिग्री आएगा वो थोड़ा सा पीछे जाने वाला है, देख रहे हो आप इधर, तो ये आपको सिर्फ हेड का शेप समझना है। उसके बाद में अगेन थोड़ा सा और ऊपर आते हैं हम लोग, ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर आते हैं, ऑक्सीपिटल बोन का 0 डिग्री देख रहे हो आप, दिस इज 0 डिग्री, ये स्ट्रेट, दिस इज 0 डिग्री, यहां का 0 डिग्री अगर आप क्लाइंट का हेड टिल्ट करोगे तब आएगा, लेकिन यहां का 0 डिग्री, ये जो ऑक्सीपिटल बोन है यहां का 0 डिग्री, सीधा बिल्कुल टचिंग द बॉडी, टचिंग द बैक, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट काटते हो आपका हेड क्लाइंट का बिल्कुल सीधा है और आप बिल्कुल पीछे लेकर काटते हो, टचिंग द बॉडी काटते हो, दैट इज 0 डिग्री ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। ज्यादातर आपके जितने भी कट्स हैं वो इसी पे कटते हैं, समझ में आ रहा है, ये ऑक्सीपिटल बोन पे ज्यादातर आप जितने भी सेक्शंस देखते हो, हम लोग वन लेंथ पे जो सेक्शंस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हम लोग, ये हमारा पहला सेक्शन रहता है डायगोनल सेक्शन, ऑक्सीपिटल बोन से मिडिल ऑफ द ईयर, ऑक्सीपिटल बोन से मिडिल ऑफ द ईयर, यही होता है ना, मिडिल ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर, तो ये डायगोनल सेक्शंस कहां पे ले रहा हूं मैं, यहां पे लेता हूं, कहां पर, ऑक्सीपिटल बोन पे। तो ये पूरे सेक्शन को हम लोग कहां काटते हैं, 0 डिग्री, टचिंग द बॉडी, दैट इज 0 डिग्री। 0 डिग्री का दूसरा नाम ब्लंट है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, अगर मैं ब्लंट बोलूं, अगर मैं 0 डिग्री बोलूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये ब्लंट है या 0 डिग्री, दोनों एक ही मतलब है उसका। तो ये है 0 डिग्री, सिंपल, समझ में आ गया आपको, ये 0 डिग्री। अगर ऑक्सीपिटल बोन की बात करता हूं, देखो नीचे का जो आ रहा था 90 डिग्री वो कैसा आ रहा था, डायगोनल आ रहा था, डायगोनल, लेकिन अगर यहां की बात करता हूं, ऑक्सीपिटल बोन की बात करता हूं, तो ये 0 डिग्री यहां पे आ रहा है, देख रहे हो आप, दिस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, देख रहे हो आप, यहां का 90 नीचे, क्योंकि हेड का शेप कैसे है, थोड़ा कर्व है, लेकिन जैसे ऑक्सीपिटल बोन पे आता है ये हो गया मेरा 90 डिग्री, लेकिन अभी इसी पॉइंट का 180 डिग्री कैसा आएगा, ये देखो यहां से आपने अपोजिट किया तो ये हो गया क्या 180 डिग्री। तो इस पोर्शन का मतलब ऑक्सीपिटल बोन का जो नीचे फॉल कर रहा है वो है, ये देखो वो है 0 डिग्री,
ये ऑक्सीपिटल बोन से नीचे जो बाल जा रहा है ये हो गया इसका 0 डिग्री, अगर ये अपोजिट जा रहा है इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर अगर जा रहा है मतलब आपके बोन से स्ट्रेट बाहर जा रहा है दैट इज 90 डिग्री, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है ये देख रहे हो ऊपर अगर जाता है तो दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री, सिंपल। तो यहां का भी अलग हो गया, यहां का भी अलग हो गया। अभी मैं आता हूं सेमी क्राउन, देखो पोर्शन बाय पोर्शन आप लोग को समझा रहा हूं, अभी आता हूं सेमी क्राउन के ऊपर। सेमी क्राउन का 0 डिग्री जैसे कि हेड शेप है कैसे आ रहा है डायगोनल आ रहा है, देख लो आप कैसे आ रहा है डायगोनल। तो ये पोर्शन का जो फॉल है ग्रेविटी की तरफ जमीन की तरफ वो नीचे है, तो इसका टेक्निकली 0 डिग्री यहाँ पे है। अगर आप ये वाले बालों को यहाँ से होल्ड करते हो नीचे की तरफ जाता है इस पोर्शन पे तो वो 0 डिग्री कहलाएगा, लेकिन अगर हम लोग 0 डिग्री का बाल काटते हैं बेसिकली तो हम इसी को फॉलो करते हैं जो हमने इस पोर्शन की मतलब नेक एरिया की जो हमने गाइडलाइन बनाई है वी जस्ट फॉलो और उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी। लेकिन इसका जो 0 डिग्री है इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी गाइडलाइन, लेकिन अगर हम लोग इस पोर्शन की बात करते हैं मतलब सेमी क्राउन की बात करते हैं तो सेमी क्राउन का 0 डिग्री आता है, आप देख सकते हो थोड़ा सा डायगोनल आ रहा है नीचे आ रहा है लेकिन दिस इज द परफेक्ट 0 डिग्री फॉर सेमी क्राउन। उसके बाद में इस पोर्शन का देख लो ये आता है 90 डिग्री, समझ में आ रहा है ये देखो ये बिल्कुल इस पोर्शन का परपेंडिकुलर जा रहा है, ये है इसका 90 और ये देखो ये है इसका आप देख सकते हो जो मैंने कंपास बनाया है अपने क्रोम का और मैंने बताया था कि ये जो पोर्शन है ये रहेगा आपका अपोजिट मतलब ये 180 डिग्री ये 90 डिग्री और ये 0 डिग्री, समझ में आ रहा है आपको आई थिंक सो, ये बहुत बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको। ये जो डी बनाया है मैंने यहाँ पे इस पोर्शन का 180 डिग्री यहाँ है, ऑक्सीपिटल बोन का 180 डिग्री यहाँ है और सेमी क्राउन का 180 डिग्री यहाँ जा रहा है, समझो इस बात को कि ये जो पोर्शन का सेमी क्राउन का जो फॉल आ रहा है वो फॉल है यहाँ, तो इसका 0 डिग्री यहाँ हो गया, इसका 90 डिग्री थोड़ा सा डायगोनल यहाँ हुआ और ये हुआ इसका 180 डिग्री। आई थिंक सो आप लोग को समझ में आया होगा, नीचे का भी नेक एरिया का भी समझ में आया, पेरीमीटर का भी समझ में आया, ऑक्सीपिटल बोन का भी हो गया। अभी मैं आता हूँ आपके क्राउन पोर्शन पे, क्राउन का देख लो अभी क्राउन मतलब रेडियल से पीछे वाले जो बाल है आपके इन बालों का भी फॉल पीछे ही आता है, ये देखो इन बालों का फॉल पीछे आता है तो ये भी जो फॉल है तो इसका 0 डिग्री यहाँ हो गया, देख रहे हो इसका 0 डिग्री यहाँ था लेकिन क्राउन पोर्शन का 0 डिग्री स्ट्रेट यहाँ आ गया, देख रहे हैं अब हर जगह का जो पॉइंट है जो 0 डिग्री है 90 डिग्री सब अलग अलग चेंज हो रहा है, लेकिन हाँ बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये डिग्रीज एक्चुअली मैं कहाँ ले रहा हूं। तो ये हो गया मेरा क्या हो गया 0 डिग्री और ये जो अपोजिट आ रहा है देख रहे हो अब ये हुआ मेरा 0 डिग्री और जो इसके अपोजिट आ रहा है ये क्या हुआ ये हुआ मेरा 180 डिग्री, देख लो आप कितना इजी हो गया। कोम रखो सीधा हेड के शेप के ऊपर कोम रखो आपको समझ में आ जाएगा और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हो गया मेरा 90 डिग्री, कितना इजी हो गया देखो 90 डिग्री, ये कौन से पोर्शन का है ये है क्राउन पोर्शन का, ये है 0 डिग्री ये है 90 डिग्री और ये है 180 डिग्री, सिंपल। सिर्फ इसको ही 180 नहीं बोलेंगे हर पोर्शन पे, आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है आप अपनी कोम लगाओ ऊपर आप एक और कोम लगा सकते हो नहीं तो कोई सीजर्स लगा दो या कोई भी चीज, एक आपको क्या बनाना है एक आपको डी बनाना है सिंपल, जो आपका सेमी सर्कल होता है वो डी बना दो और उसको हर पोर्शन पे रखो आपको समझ में आ जाएगा जो अपोजिट जा रहा है वो 180 डिग्री है, जो नीचे फॉल कर रहा है वो 0 डिग्री है और जो बीच में परपेंडिकुलर जा रहा है दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। तो ये हो गया मेरा, ये देख रहे हो आप, अगर इसी में मैं बात करता हूँ क्राउन सेक्शन पे अगर मैं ये 90 डिग्री है अगर मैं 45 की बात करता हूँ तो देखो ये 45 डिग्री हो गया, समझ में आया। अभी इसी तरीके से ये 90 डिग्री है अगर मैं थोड़ा आगे चला गया तो ये कौन सा हो गया 135 डिग्री हो गया, मतलब 180 और 90 का जो सेंटर है वो हो गया 135 और इसी तरीके से 0 और 90 के बीच में जो हुआ वो हो गया आपका 45 डिग्री, सिंपल बहुत इजी है, इसको दिमाग में रखो इस डी को बना दो, ये कॉमनली हम लोग इन्हीं डिग्रीज पे बाल काटते हैं ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये तो हुए पीछे के सेक्शन, एक बार फिर आप लोग को दिखा देता हूँ पीछे का, फिर गौर से देखना आप लोग, ये देखो नीचे का पोर्शन 90 डिग्री, ये हुआ 45 डिग्री और ये हुआ 0 डिग्री, इसी तरीके से ऑक्सीपिटल बोन का ये है 90 डिग्री, ये देखो ये हुआ 0 डिग्री, ये ऑक्सीपिटल बोन का ये हुआ 0 डिग्री, ये हुआ 45 डिग्री,
ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ 135 डिग्री और ये हुआ 180 डिग्री। ये है मेरा ऑक्सिपिटल बोन का। अगर मैं इसी तरीके से सेमी क्राउन की बात करता हूं, समझ लेना सेमी क्राउन का 0 डिग्री यहां पे है डायगोनली, ये हुआ 45 डिग्री, ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ 135 डिग्री और यहां पे ये जो पोर्शन आया ये हुआ 180 डिग्री। कौन से पोर्शन का? सेमी क्राउन का, क्राउन पोर्शन का। फिर देख लो, ये हुआ 0 डिग्री, ये हुआ 45 डिग्री, ये हुआ 90 डिग्री और ये हुआ अगेन 135 डिग्री और यहां पे जो पोर्शन आता है ये हुआ 180 डिग्री। आई होप आप लोगों को पीछे के पोर्शन का डिग्रीज आई होप समझ में आया होगा। अभी हम लोग आते हैं आगे के पोर्शन पे, मतलब रेडियल से आगे के बालों पे, रेडियल से आगे के बाल समझो। इन बालों का जो फॉल है वो आता है फ्रंट पे, इन बालों का आगे, रेडियल से आगे वाले जो पोर्शन है, इस पोर्शन का जो फॉल है वो कहाँ आता है? वो आगे आता है, फ्रंट पे आता है। तो इसको कहाँ करना है? चलिए पेरीमीटर से शुरू करते हैं, आगे का जो पेरीमीटर है इससे शुरू करते हैं, हेयर लाइन से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं 0 डिग्री ये है, पर ये 0 डिग्री यहाँ का नहीं है, इसका ध्यान रखना। इस हेयर लाइन का जो 0 डिग्री है वो है नोज के सामने, देख रहे हो आप लोग? क्यों? क्योंकि हमारे हेड पे क्या है? कर्व है। हमारा हेड स्ट्रेट नहीं है, हमारे हेड पे क्या है? थोड़ा कर्व है, थोड़ा सा डायगोनल है। तो यहां का जो आपका आएगा ये हुआ 0 डिग्री, जो कि नोज के सामने कटने वाला है, समझ लो। क्यों? फॉल नीचे आ रहा है, यहां के बालों का फॉल आगे आता है, तो ये हुआ 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री। उसके बाद में इसी पोर्शन का ये है 90 डिग्री, समझ में आ रहा है? ये देखो, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और जो इसके बीच का पोर्शन आएगा दैट इज कॉल्ड 45 डिग्री। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये 45 है, ये 45, ये 90 और ये पोर्शन आ रहा है, ये आ रहा है नोज के सामने 0 डिग्री, समझ में आया? इसी तरीके से 90 डिग्री से उधर आ जाओ, इसका 180 डिग्री जो आएगा वो आएगा, ये देख रहे हो आप, पीछे, यहां से पीछे, इट इज 180 डिग्री और इसी पोर्शन का 135 डिग्री इज दिस। देखो कितना इजी हो गया। तो 90 और 180 के जो बीच का है, 90 और 180 का जो सेंटर का पार्ट आ रहा है, जो सेंटर का पार्ट आ रहा है दैट इज 135 डिग्री। कितना इजी हो गया। अगेन कमिंग ऑन द टॉप एरिया, दिस इज द टॉप एरिया, देख रहे हो आप, ये टॉप एरिया का ये देखो फॉल कहां है? फॉल आगे है इस पोर्शन का, टॉप का ये जो पोर्शन आता है ये है 0 डिग्री। देख लो कितना इजी हो गया, 0 डिग्री जहां फॉल आ रहा है, बीच का जो पोर्शन आ गया क्या आ गया, ये है 90 डिग्री और जो पीछे का पोर्शन आ रहा है ये है 180 डिग्री। अभी ये देखो यहां पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, इसका सेंटर आया 45 डिग्री, सिंपल, समझ में आ रहा है? ये 0 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये है 90 डिग्री। इसी तरीके से 180 डिग्री पे, चलिए 180 डिग्री को चेक करते हैं हम लोग। 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, इसके जो सेंटर का आएगा वो है 135 डिग्री। हाउ इजी इट इज, आई थिंक सो, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है हेड की शेप पे आपको ये डी बनाना है। आपके पास में कोम है, सीजर्स है, आप इसकी जगह पे सीजर्स को भी रख सकते हो एंड देन यू कैन मेक इट। अभी रह गया हमारा साइड, हमारा टॉप भी क्लियर हो गया, हमारा आप देख सकते हो नेप जो बैक हेयर लाइन थी वहां भी क्लियर हो गया, ऑक्सिपिटल बोन भी कवर क्लियर हो गया, हमारा सेमी क्राउन भी क्लियर हो गया, क्राउन भी क्लियर हो गया, टॉप भी क्लियर हो गया और फ्रंट हेयर लाइन का भी क्लियर हो गया। अभी रह गया साइड, साइड का भी सेम एग्जैक्टली, ये देख रहे हैं आप, ये भी क्या है, हेयर लाइन, दिस इज दी हेयर लाइन, यहां से लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन 0 डिग्री, अगेन दिस इज 90 डिग्री एंड अगेन दिस इज 180 डिग्री, सिंपल। अभी इसको आपको समझना है कि जो 0 डिग्री, 90 डिग्री और ये देखो, समझ में आया? तो इसके बीच का ये हो गया 145 और ये जो पोर्शन हो गया ये हो गया 45 डिग्री। आई थिंक सो ये बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आपको समझा पाया होगा विद द डमी और आई होप आप लोगों को अच्छा, अगर समझ में आ गया तो आपके कट्स अच्छे होंगे। सिंपल है, कोम हाथ में रखो, सीजर्स रख लो, अगर आपके पास दो कोम नहीं है, दो कोम है तो अच्छी बात है और अगर हो सके तो बड़ा इनिशियल स्टेज पे बड़ा डी ले लो, एक बड़ा और बड़े डी को कहीं पे भी लगाओ एंड देन जस्ट जज इट कि कौन सा कहाँ पे करना है। थैंक यू सो मच।